That was great too. Oh, hey. ये बढ़िया था. गाइस, WWE में बहुत सारे मूवमेंट्स देखने को मिलती है, लेकिन आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे WWE की कुछ इंसल्टिंग मूवमेंट्स के बारे में. तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं. गाइस, 2006 में WWE की एक एपिसोड हुआ था, एक इंटरजेंडर रेसलिंग मैच विक्टोरिया वर्सेस कार्लिटो के बीच. और मैच के शुरू में कार्लिटो रिंग में एंट्री किया और बाद में आए विक्टोरिया. लेकिन विक्टोरिया को देख के कार्लिटो चमक उठे और इसके बाद मैच शुरू हुई. लेकिन मैच के शुरू में ही कार्लिटो विक्टोरिया की इंसल्ट करने के लिए उनके पीछे एक थप्पड़ जड़ दिया था, और इसीलिए विक्टोरिया भी कार्लिटो को नहीं छोड़ा, क्योंकि एक मोमेंट पे कार्लिटो का अखरोट फोड़ दिया था. बट एट द एंड इस मैच में कार्लिटो विक्टोरिया को बीट किया. लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि इसके बाद कार्लिटो एप्पल खा के विक्टोरिया की मुंह में दे मारा. गाइस, 2015 के मंडे रॉक की एक एपिसोड में हुआ था एक प्रोमो स्टेफनी मैकमैन वर्सेस द बिग डॉग रोमन रिंग्स के बीच. और पूरे मैच में रोमन रिंग्स स्टेफनी मैकमैन की इंसल्ट किया, ट्रिपल एच की इंसल्ट किया और स्टेफनी की होल फैमिली की इंसल्ट की. लेकिन स्टेफनी मैकमैन भी कम नहीं थे, रोमन का पहले एक थप्पड़ जड़ दिया. लेकिन रोमन हंसने लगे और गुस्से में अगर स्टेफनी मैकमैन और भी थप्पड़ जड़ दिया था रोमन को. और जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि स्टेफनी रोमन को गुस्से में आके बहुत सारी थप्पड़ जड़ दिया था और रोमन का मुंह एकदम लाल हो गया. और ये रोमन के करियर की वन ऑफ द मोस्ट इंसल्टिंग मोमेंट था. 2021 में स्मैकडाउन की एक एपिसोड में द मिस और मोरिसो ने एक प्रोमो करने लगे. और गाइस, आपको मैं एक बात बता दूं कि उस समय मैंडी रोज ओटिस का गर्लफ्रेंड थी, और प्रोमो के दौरान द मिस ओटिस को बोले कि ओटिस, मैंडी रोज के ऊपर से अपना कॉन्सेंट्रेट हटा लो और तुम मैच में फोकस करो. और ये बात सुन के थीम सॉन्ग प्ले हुआ ओटिस का, और ओटिस के मिस को बहुत मारा और बहुत धुलाई की, और यह तक कि मिस का शर्ट फाड़ दिया. और जब मिस भागने की कोशिश की तब मिस का पैंट भी फाड़ दिया और मिस का बना दिया एकदम चड्डी मैन. गाइस, वीडियो में आगे जाने से पहले आप मुझे ये बताओ कि आपका फेवरेट सुपरस्टार कौन है WWE में. मेरी फेवरेट है रोमन रिंग्स. गाइस, 2003 की WWE की एक एपिसोड में स्टेसी केवलर वर्सेस टी स्टारस के बीच एक मैच हुआ. और मैच के शुरू में एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल लेके ये दोनों बैठ गए और खाने की चीज लेके एक दूसरे के ऊपर अटैक करना चालू किया, यह तक कि खाने की वो चीज एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे थे. और ये बहुत ही फनी मोमेंट थी और बहुत देर तक यह चलता रहा. लेकिन एट द एंड इस मैच की एक मोमेंट टी स्टेटस स्टेसी केबलर को एक छोटा सा स्विमिंग पूल में ले गए, और कुछ देर फाइट चलने के बाद पानी में ही स्टेसी केबलर को टैप आउट करवाया. और गाइस, ये थे कुछ मोमेंट जो कि बहुत ही इंसल्टिंग मोमेंट तो वुमेन सुपरस्टार के लिए. तो कैसी लगी ये वीडियो, एक कमेंट तो कर दो. अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.